हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरैक्शन। जैसे आपको नाम से दिख ही रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स की या फिर ड्रग्स की आपस में इंटरैक्शन रहती है वो हमारी बॉडी में कैसे इफ़ेक्ट लेके आती है। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स ड्रग्स की ऐसे कई भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट लेते आते हैं, और ऐसे कहीं ड्रग्स हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में, उनकी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट लेके आते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की और ड्रग्स की आपस में जो इंटरेक्शन रहता है उससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, या फिर ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में कैसे इफ़ेक्ट लेके आते हैं। अब पहले हम शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से। हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया कोई भी मेडिकेशन, साथ में हमें बोला कि आपने ये जो मेडिकेशन लेनी है ये इस न्यूट्रिएंट या फिर इस खाने के साथ नहीं लेनी, ये इस खाने के आधे घंटे बाद, आधे घंटे पहले। जैसे एंटासिड्स हैं वो खाने से आधे घंटे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं, खाली पेट प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। कुछ ऐसी मेडिकेशन जिनको बोलते हैं ये दूध के साथ देनी है, इनको दूध के साथ नहीं देनी है, वो जो बात करते हैं वो इसी के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स की आपस में इंटरेक्शन। कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरेक्ट करके इन दोनों की एब्जॉर्प्शन या फिर प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट लेके आती हैं। ये आगे दो डिविजन्स में बंट रखी हैं। पहले बात करेंगे हम ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन की। अब ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी फंक्शनिंग को, उनकी प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स हैं जो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस लेके आते हैं। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स की न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या इंटरेक्शन या क्या रिलेशन रहता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर एपेटाइट सप्रेसेंट्स। अब कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हमारी एपेटाइट को कम कर देती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, कीमोथेरेपीज। कैंसर पेशेंट्स को कीमो दी जाती हैं, मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि उनका जल्दी से रिकवरी हो जाए। जब उन्होंने ये मेडिकेशंस दी, इनका डायरेक्ट रिलेशन रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। क्या कॉज करते हैं? नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। जो ये एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं ये भूख को कम कर देंगे, कॉज करते हैं नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये सीधा सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेशन रखते हैं और उनकी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट को कम कर देंगे या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग होने ही नहीं देंगे। सेकंड, अगर हम बात करें वो रहेगी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के साथ। अब न्यूट्रिएंट्स के कहाँ से एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करते हैं, सोचने वाली बात तो है ही है। जो लैक्सेटिव्स होते हैं, लैक्सेटिव्स ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो किसी भी पर्सन के बाउल मूवमेंट में या फिर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। जो भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एक बहुत टाइम से सीवियर कॉन्स्टिपेशन चल रही है, उनकी बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उनके बाउल मूवमेंट्स को ठीक करने के लिए हम लैक्सेटिव्स या फिर डॉक्टर लैक्सेटिव्स को रेकमेंड या फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब लैक्सेटिव्स का काम है कि वो जल्दी से जल्दी बाउल मूवमेंट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको ठीक कर दे। पर जब किसी ने लैक्सेटिव्स ले ली, जो वर्किंग पहले चल रही थी 2 या 3 घंटे फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो अब सीधा हो जाएगी 1 घंटे में, जल्दी जल्दी काम होएगा, तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ये तो रहा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शंस के बारे में।
आगे हम बात करेंगे। एंटासिड्स के बारे में, एंटासिड्स के अंदर एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्साइड होता है जो कि बाइंड करता है फॉस्फोरस के साथ। जब ये बाइंड कर गया फॉस्फोरस के साथ में, तो वो सीधा सीधा क्या लैग करेगा हमारी बॉडी में? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमारे बोन की फंक्शनिंग में, हमारे मसल के। और ये क्या कॉज कर सकता है? ओस्टियो मलेशिया। ये लैग कर जाएगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे ही नहीं। ये बाइंड कर गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फोरस के साथ, और फॉस्फोरस की होगी कमी हमारी बॉडी में, और हमें क्या बीमारी होगी? ओस्टियो मलेशिया। सीवियरली भी ये चले जाता है, बोन्स एंड मसल्स वीक हो जाते हैं विद टाइम। आगे हम बात करेंगे कुछ मेडिकेशंस की जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम करते हैं। स्टैटिन्स, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस हैं। ये कई बारी जो बाइल जूस की वर्किंग है उसको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। बाइल जूस प्रॉपरली बॉडी में नहीं होएगा, लिवर नहीं सिक्रीट कर पाएगा बाइल जूस। तो बाइल जूस किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? फैट की एब्जॉर्प्शन या फिर डाइजेशन के लिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए डी ई और के, तो कहीं ना कहीं तो इनकी एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये ऐसे इफेक्ट करता है। जो नेक्स्ट है, न्यूट्रिएंट की प्रोडक्शन में स्लो डाउन। अब ये सोचो कैसे, हमारे बॉडी में विटामिन के स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अब हम कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशंस ले लेते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया मरना था, उसके साथ में जो विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो भी किल हो गया, तो विटामिन के की प्रोडक्शन ही नहीं होएगी हमारी बॉडी में। तो वैसे हमारे जो ड्रग्स हैं वो इफेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन के लिए भी। अब ऐसे कई मेडिकेशंस हैं जो मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म में कैसे, कुछ ऐसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं जो रिजल्ट करती हैं हमारे विटामिन बी सिक्स के लेवल्स को और फॉलेट को, इसके मेटाबॉलिज्म को भी डिक्रीज कर देती है जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे ड्रग्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म में, प्रोडक्शन में, उसके लॉस में इफेक्ट कर रही हैं। आगे हम बात करेंगे लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप सोचेंगे कि लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हो सकते हैं? लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो ड्यूरेटिक्स होते हैं
यहाँ पे मैंने मेडिकेशन का नाम भी लिख रखा है, ये हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस बॉडी सॉरी रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये हमारे बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करती हैं, और जब ये काम करेंगी तो वाटर के साथ में किडनीज फंक्शनिंग कर रही हैं उस टाइम पे हमारे बॉडी में से पोटेशियम के लेवल या फिर पोटेशियम भी कम हो सकता है। पोटेशियम किसके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ये, उनकी हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड मेंटेनेंस है उसके लिए हेल्प करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ही एस्पिरिन, ये कॉज करता है इन द लॉस ऑफ फोलेट। ऑल्सो लॉस ऑफ आयरन विच कैन लेड टू अनीमिया, अनीमिया आपको पता ही है। अब एस्पिरिन है वो कॉज करता है हमारे फॉलेट जो न्यूट्रिएंट है उसकी लॉस में। अब उसे हमारे लॉस ऑफ आयरन हो सकता है जो कि कॉज करता है अनीमिया। अब जो हम फर्दर बात करेंगे वो बात करेंगे फूड न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन की। कि जो हमारा फूड है या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस लेके आते हैं या उसको एनहेंस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ऐसे फूड्स हैं या फिर कह सकते हैं हमारे फूड ग्रुप्स हैं, जैसे कि एसिडिक फ्रूट्स हैं, ये हम अवॉइड करते हैं जब हम एंटासिड ले रहे हैं या फिर हमें प्रॉब्लम है एसिडिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। जो कैल्शियम है वो इंटरैक्ट करता है मेडिसिन टेट्रासाइलिन के साथ, ये इसकी वर्किंग को रोक देता है, प्रॉपर होने नहीं देता है, जिससे जो टेट्रासाइलिन है वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाता। जब इसी वजह से टेट्रासाइलिन आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद में लेते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम है वो इसकी वर्किंग में हिंड्रेंस लेके आता है। होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन या फिर वर्किंग में इफेक्ट लेके आ रही है। नेक्स्ट जो फर्मेंटेड फूड्स रहते हैं उनके अंदर एक केमिकल है टायरामिन। ये जो टायरामिन है ये एक मेडिकेशन के साथ रिएक्ट करता है जिसका नाम है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये जो टायरामिन है केमिकल सब्सटेंस है ये इस मेडिकेशन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या कॉज करेगा, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हम कह सकते हैं
हाइपरटेंशन क्या कॉज करेगा? हाई ब्लड प्रेशर. फर्मेंटेड फूड्स या फिर कह सकते हैं हम एज्ड फूड, इनके अंदर केमिकल प्रेजेंट है टायरामिन. ये क्या करेगा? मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ रिएक्ट करेगा और कॉज करेगा हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के की. जो विटामिन के है इसका मेन रोल रहता है हमारी बॉडी में कोगुलेशन के साथ, ब्लड की क्लॉटिंग के साथ. तो जब किसी को कोई हार्ट रिस्क या फिर हार्ट डिजीज है और उसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लॉट्स बन रहे हैं, उस टाइम पे हम उनको एंटी कोगुलेंट्स मेडिसिन देते हैं. अब जैसे विटामिन के तो इसके लिए काम करता है, बट जब हमने उनको विटामिन के खा रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं हम, तो वो क्या इफेक्ट करेंगे? जो भी हम एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं उनकी वर्किंग को इफेक्ट करेंगे, हिंड्रेंस लेके आएंगे. इस वजह से जब भी एंटीकोगुलेंट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस टाइम पे हम विटामिन के बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसका रिलेशन ब्लड क्लॉट्स के साथ. इस वजह से एंटीकोगुलेंट्स की वर्किंग के लिए हम रिड्यूस कर देंगे विटामिन के को. वारफेरिन मेडिसिन है वो भी रिलेशन रखती है विटामिन के साथ. विटामिन के को हम उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. ये रही मेडिकेशन. ये मेडिकेशन है जो एंटीकोगुलेंट काम करती है, विटामिन के उसको रिस्ट्रिक्ट करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेप फ्रूट जूस की. जो ग्रेप फ्रूट जूस रहता है ना, ये इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये रहते हैं काम करते हैं, इफेक्ट करते हैं इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स में. कुछ ऐसे ड्रग्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हिंड्रेंस लेके आते हैं, प्रॉपर नहीं कर पाते. इस वजह से हम ग्रेप फ्रूट भी उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. अब हम बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरैक्शन है इसमें रिस्क पे कौन कौन है. रिस्क में मतलब कि कौन इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा. सबसे पहले अगर हम बात करें, जो भी पर्सन मालनरिश्ड है, चिल्ड्रंस हो सकते हैं, इन्फेंट्स हो सकते हैं, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो, बिकॉज उनके हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग जिनको सीरियसली हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो ये सारे हैं ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं जिनको ये न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरैक्शन हो सकती है. सबसे पहले माल नरिश्ड का मतलब क्या होता है? जिनको सीरियस ऑन अ वेरी सीरियस नोट बहुत ज़्यादा सीवियर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको हम माल नरिश्ड कहते हैं. सेकंड जो चिल्ड्रन हैं, इन्फेंट्स हैं. थर्ड जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं क्योंकि उनका हार्मोनल इम्बेलेंस होता है. फिर एल्डरली पीपल हैं, वो कुछ मेडिकेशंस को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, मेटाबोलाइज कर सकते. थर्ड है जिनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर डिजीज़ है.